आज हम निबंध को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक शब्द आपको रीड करके बताएंगे। नोट्स आपको स्कूल से मिल गए होंगे, तो आप निबंध देखेंगे। निबंध हमारा है जल प्रदूषण, जो आपके फर्स्ट टर्म में आएगा। जल ही जीवन है, हमारे जीवन के लिए जल एक आवश्यक स्रोत है। मतलब कि जल के बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते। कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। नंबर 3, आज के युग में जल प्रदूषण की समस्या बनती जा रही है। नंबर 4, जहाँ पर पानी दूषित हो जाता है, मतलब कि गंदा हो जाता है, वहाँ पर जीवन भी संकट में पड़ जाता है। क्योंकि पानी नहीं होगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन भी संकट में पड़ जाता है। नंबर 5, गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता था, लेकिन वही गंगा नदी आज कारखानों से निकलने वाले कचड़े की वजह से दूषित हो गई है। यहाँ पे लेकिन वही गंगा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, उसमें छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पे लग गई है, तो आप उसको सही कर लीजिए। गंगा में छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। नंबर 6, जल प्रदूषण का एक सबसे प्रमुख कारण हमारे उद्योग धंधे हैं। नंबर 7, उद्योग धंधों कल कारखानों से जो रासायनिक कचरा निकलता है वह सीधे नदियों और तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे नदियों व तालाबों का पानी प्रदूषित हो जाता है, मतलब कि गंदा हो जाता है। आज के समय में लोग खेती में भी रासायनिक उर्वरक और दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से पानी के स्रोत बहुत प्रभावित होते हैं। उर्वरक यहाँ पे गलत लिखा गया है, आपको कल वीडियो के बाद आपको सही करेक्शन करा दिया जाएगा उर्वरक में। नंबर 9, जब लोग तालाबों में स्नान करते हैं उसी में शरीर की गंदगी और मलमूत्र कर देते हैं, जिससे तालाबों का जल दूषित हो जाता है। नंबर 10, जल ही जीवन है, इसको अपनाकर स्वच्छ भारत बनाएं और जल प्रदूषण दूर करें व सावधानियां अपनाएं। तो आपको ये निबंध पूरा फर्स्ट टर्म के लिए याद करना है। जो मिस्टेक इसमें है गंगा और उर्वरक, वो आपको कल वीडियो के बाद आपको लिखकर बता दिया जाएगा। ओके।